पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमले का आज तीसरा साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों ने जय स्तंभ चौक पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतर्राष्ट्रीय मातृशक्ति संगठन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय कवि संगम, युवा सेवा संगठन, जिला बनाव अभियान समिति, सेवानिवृत्त सैनिक संगठन ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदीप तिवारी ने शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व व सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी। सैयद फखर हुसैन कादरी ने कहा कि शहीदों की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।